ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जनता के फैसले का आज दिन है। पहले आपको बता दें, करीब 537 सीटों पर रुझान सामने आ चुका है, जिसमें से 329 पर एनडीए ने बढ़त बना रखी है, 106 पर यूपीए और अन्य 102 पर। हमारे साथ अब स्टूडियो में कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। कांग्रेस से हैं सुनीता मावर और भाजपा से हैं शील धबाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी पहले से ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शील धबाई जी, पहले आपसे ही बात करते हैं, राजस्थान से बात शुरू करते हैं। 25 में से फिलहाल 25 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बना रखी है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो पहले से ही अनुमानित था और हमें पहले से ही पता था कि जिस तरह से हमने नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में जो कहा जो करके दिखाया, और एक सबसे बड़ी बात जो थी कि अब के मुद्दा सिर्फ विपक्ष के पास कोई मुद्दा था ही नहीं। हमने राष्ट्रवाद पर और विकास के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन विपक्ष के पास सिर्फ एक मुद्दा था कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अब उनके पास में जिस तरह से आपस में जो उन्होंने महागठबंधन किया, उनके व्यक्तिगत स्वार्थ थे और उनके पास में कोई ये सब मिलकर एक ऐसा चेहरा तय नहीं कर पाए जिसको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। जनता के सामने सारा जो गठबंधन का जो रूप सामने निकल के आया, एक तरफ तो ये थे गठबंधन था, एक तरफ मोदी थे, जिन्होंने 5 साल में सबका साथ सबका विकास के लिए काम किया, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, जिन्होंने 2.5 करोड़ आवास बनाए, जिन्होंने 9 लाख गैस कनेक्शन दिए, 9 करोड़ उन्होंने उज्ज्वला योजना की। जी मान ली आपकी बात, बट ठीक है कि उनके पास पीएम का चेहरा नहीं था, लेकिन आपके तो चेहरे के आगे सारे प्रत्याशी ही गौण हो गए थे। चलिए सुनीता जी, किस तरह जवाब देंगी शील धबाई जी की बात का? देखिए, ये तो वही मिसाल है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। अगर एनडीए सरकार ने, मोदी जी ने इतने विकास कार्य करे थे तो अपनी उपलब्धियों पर वोट न मांगकर राष्ट्रवाद और पाकिस्तान के नाम पर विकास आपने किस चीज का करा? क्यों कि आपने जो घोषणा पत्र में 2014 में जनता से जो वायदे करे थे, न राम मंदिर बना, न धारा 370 पे कोई कार्य हुआ, बेरोजगारी 45 वर्ष के सर्वोच्च स्तर पर रही, आपने जो भी योजनाएं बनाई, चाहे आपने काला धन लाने का जनता को वायदा करा, 15 लाख प्रति व्यक्ति के अकाउंट में डालने का वायदा करा, उसके अलावा जो 100 स्मार्ट शहर बनाने की योजना थी, तो जयपुर शहर कैसा है ये न आपसे छुपा है न मुझसे छुपा है। पिछले 5 साल में जयपुर शहर कितना स्मार्ट हुआ और कितना पिछड़ा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, उनके क्या हालात हैं, वो भी आप लोगों से छिपे हुए नहीं है। केवल लोगों को लुभावने सपने दिखाए गए और यहाँ तक लोकतंत्र की हत्या करी गई कि चाहे CBI हो, ED हो, या रिजर्व बैंक हो, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस में आकर, आप लोगों ने उड़ाया। अब आप सुनने की भी क्षमता रखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज इतिहास में पहली बार जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि हमारी स्वायत्तता पर हनन हो रहा है। इस तरह के जो हालात रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर इतिहास में पहली बार अपना कार्यकाल पूरा न करके इस्तीफा देकर अपनी अपनी जगह से पदमुक्त हुए, तो इस तरह के जो हालात है, अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, और आप कहते हैं हमने बहुत अच्छा विकास करा, अगर इतना अच्छा विकास करा तो आपको पाकिस्तान क्यों याद आया, आपने क्यों राष्ट्रवाद की बात करी क्या? और देखिए, मैं एक मिनट, देखिए कहावत है, जो जीता वो सिकंदर। आपकी सारी बात वोट मांगते समय जनता के सामने रखी गई, जितनी बातें आपको रखनी थी आपने, सबसे बड़ा हमला कर दिया, चौकीदार चोर है, इससे बड़ा हमला कुछ नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री को एक नहीं हजार बार हर सभा में राहुल गांधी जी ने नारे लगवाकर चोर कहा, और उसके रिएक्शन में जनता ने ये मैंडेट दे दिया, रिएक्शन में दिया या पाकिस्तान लेके दिया, जैसे भी दिया, 5 साल के लिए ये मैंडेट आ गया, आप समझ लीजिए। आप आज जो बढ़त है वो बढ़त मैं नहीं समझता कि आपको उलटफेर होगा, ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि मोदी जी की सरकार बन रही है और मोदी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, ये भी लग रहा है, और ये भी लग रहा है कि स्थायी सरकार बनने जा रही, कोई त्रिशंकु लोकसभा या ऐसी कोई शंका किसी के मन में नहीं रही। राहुल गांधी खुद अभी 1900 वोट से पीछे चल रहे हैं अमेठी में, मैं बताना चाहता हूं, इस वक्त राहुल गांधी अमेठी में 1900 वोट से पीछे चल रहे हैं। वायनाड से आगे चल रहे होंगे वो निश्चित तौर पर, वहां वो जीतेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये अमेठी में आगे पीछे होना ये भी खतरनाक है उनके लिए। आप ये बताइए कि एक आदमी बार बार खड़ा रहकर कहता रहा कि
कमल पर बटन दबाओगे वोट मोदी को मिलेगा, क्या कांग्रेस में या विपक्ष में कोई भी आदमी ये कहने की स्थिति में था कि हाथ पर बटन दबाओगे वोट राहुल को मिलेगा, इस पे बटन दबाओगे वोट मायावती को मिलेगा? कोई देश को एड्रेस कर सकता था क्या, इस स्थिति में था क्या कोई आदमी, कोई मोदी के सामने खड़ा भी हुआ विकल्प के रूप में? हाँ, कहीं ना कहीं ये एक कमजोरी रही कि कोई चेहरा सामने नहीं था, परंतु जनता के बीच में जिस तरह से एक इमेज बनाई गई, वो भी स्टिंग आपको मालूम होगा, जिसमें कि यह बातें तय की गई कि आपको अमुक अमुक राशि दी जाएगी, किसके लिए, कि आप राहुल गांधी को पप्पू, अखिलेश यादव को बबुआ, मायावती जी को बुआ, और ये सब नाम देकर इनकी इमेज खराब करेंगे। एक इमेज खराब करने का काम किया गया, लोग बागों ने पप्पू कहा गया, आपने एक बार मौका नहीं दिया, उनकी कार्यशैली नहीं देखी और आप पप्पू कह रहे हैं। ये एक जनता का सोच है, अगर जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम सम्मान करते हैं, परंतु हम किसी व्यक्ति की कार्यशैली को न देखकर और उसको पहले ही लेबल लगा दिया जाए, हमने झूठे जुमले नहीं जनता के सामने परोसे, हमारा जो घोषणा पत्र आया उसमें जमीनी हकीकत से जुड़े हुए वे ही वायदे किए गए जो कि संभव थे और करना थे। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वायदा नहीं करा, 24 लाख का करा गया। अब जनता को अगर झूठ ही पसंद है, सुनहरे सपने पसंद है, कि आप जनता को तो अभिसरण नहीं कर सकते, जनता चाहती है लोकतंत्र का कहानी है कि राजा 90 करोड़ लोगों ने कहानी सुनाता है, 90 करोड़ मतदाताओं ने जो वोटिंग की है ये उसका अपमान है। अंत में उनको राजा, उस नाई को कोई नाम नहीं देते, नाई पूछता है 2 साल बाद, साहब आपने मुझे इतनी इतनी जमीन और इतने सब इनाम में देने का वायदा करा था, तो राजा ने कहा भाई तुम जो बोलते गए वो मेरे कानों को अच्छा लगता गया, इसलिए मैं भी वो बोलता गया जो तुम्हारे कानों को अच्छा लगे। अगर यह सोच के साथ वोट दिया गया है, हम तो वैसे भी जनादेश का सम्मान करते हैं, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ये लोकतंत्र का हम सीधा सीधा अपमान है, खड़े रहेंगे, नहीं लोकतंत्र का अपमान नहीं, हम सम्मान कर रहे हैं जनता, हम जनादेश का सम्मान कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दिया है, ये उसका अपमान है। चलिए चलिए, किसानों ने एक एक अपनी बात रखिए जी, तो हम जनता के साथ लड़ाई लड़ेंगे, जनता को उसका हक दिलवाएंगे, जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। जो माहौल रहा देश में कि अगर कोई उन पे सवाल खड़ा करता है वो कहते हैं ये देशद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही है, क्या इस तरह का माहौल उचित है? इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत बोला, क्या विपक्ष नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में? क्या इसी तरह की परिभाषा है? तो जो संविधान की परिभाषा को बदल दें, और जनता जब पीड़ित होती है, हम हमेशा जनता के साथ खड़े हुए, न्याय योजना भी वही थी, इन्होंने हर जगह स्पष्ट झूठ बोला कि गरीबी इन लोगों ने इतने साल में नहीं मिटाई, जबकि मैं आपको बता दूं 1947 में जब देश आजाद हुआ था 30 करोड़ देश की पॉपुलेशन थी और गरीबी 77% थी, जबकि इन 50 सालों में कांग्रेस सरकार ने जो काम करा, अब 133 करोड़ की आबादी है और 2014 में 20% गरीबी थी, 50% गरीबी को कम करा, ये जब जो विकास का मॉडल है जिसको आज ये कहते हैं हमने करा, अरे इन्होंने तो वो रिफाइनरी जो पहले गहलोत सरकार जिनका शिलान्यास कर गई थी उसको तक चालू नहीं करा, अगर वो चालू तो छोड़ी है, वो जनता ने फैसला सुना दिया। अब शील दावाई, आपको तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ सिर्फ जी, कि जनता ने वोट दिया मोदी को या जनता ने वोट दिया कमल को या जनता ने वोट दिया कैंडिडेट को, क्या समझते हैं? देखिए ये तीनों बात एक ही है, बात चाहे मोदी जी की कर लीजिए, चाहे कमल की कर लीजिए, या जो प्रत्याशी की बात कर लीजिए, बात कहीं ना कहीं वो ही निकल कर आती है। नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता के सामने जो विजन रखा, जिस तरह से जो उन्होंने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में जनता को बताया, क्योंकि जब बॉम्बे में हमला हुआ था मनमोहन सरकार ने सेना पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन पहली बार जब जिस तरह से सर्जिकल वाला कोर्ट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और जिस तरह से कांग्रेस विपक्ष ने सराहना करने की बजाय उस पर उंगलियां उठाई, ये जनता को किसी हाल में स्वीकार नहीं था। जब पहली बार जब सेना के लोग आते थे तो उनके सिर वापस आते थे, पहली बार अभिनंदन को 48 घंटा में लेकर आए, जनता ने समझा एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमें जो डिसीजन जो इस देश की दशा और दिशा बदल दे, जो किसानों की हित की बात करे। मैं जानना चाहता हूं कि
सांसद चुने हुए आपकी पार्टी के अगर जनता के बीच जाकर ये कहेंगे कि आपने तो वोट मोदी को किया था, नहीं तो सांसद का नाम तो लिया ही नहीं मोदी जी ने कभी भी कि इस एक्स आदमी को वोट दो, वाई को दो, ये मेरा कैंडिडेट है, ये बीजेपी कैंडिडेट नहीं। देखिए उन्होंने कहा कि बटन कमल पे दबाओगे वोट मोदी को जाएगा। देखिए हमारी पार्टी में जब चुनाव वो टिकट का वितरण होता है तो हमारा यही कहा जाता है आपको कैंडिडेट नहीं देखता है, जिसको पार्टी कमल का फूल दे दे, कमल का निशान जिसको दे दे पार्टी की तरफ से, वो ही प्रत्याशी है, उसकी अच्छाई बुराई पार्टी की है। ये सारे के सारे बातों पर ध्यान रखकर, क्योंकि ये चुनाव प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये कोई लोकल चुनाव नहीं है, ये चुनाव केंद्र का है। केंद्र की सरकार ने 5 साल में जो कुछ किया, जो उपलब्धियाँ हासिल की, उसका श्रेय जो जहां से प्रतिनिधि एमपी बन के जाएगा उसका श्रेय लोगों ने उसको वोट दे करके दिया है, क्योंकि उनके काम की मोहर एक एमपी के द्वारा ही लग सकती है जो केंद्र में जाकर वहां पर रिप्रेजेंट करेगा। और आज जिस तरह से जो परिणाम आ रहे हैं, चलिए शील दवाई जी आप तो एक बात बताइए कि आपकी सरकार थी राजस्थान में और आपने सत्ता खो दी जी कुछ ही महीने पहले, जी 3-4 महीने पहले, और आज आप 25 में 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। हाँ। मान लो तो ऐसी क्या वजह थी, क्या मानती हैं कि विधानसभा चुनाव आप हार गए और लोकसभा चुनाव में 25 में? देखिए विधानसभा में हम उसको हार नहीं मानते, क्योंकि जो मत प्रतिशत था 1.5% का ही डिफरेंस था। हार तो हारे, जीत तो जीत है। ना ना ना, सरकार उनकी आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। नहीं जनादेश का अपमान कर रहे हैं। देखिए आप जब पहले बात सुन लीजिए ना। हाँ तो आपने क्या कर लिया, आपने 2 महीने में क्या कर लिया, एक बार बता दीजिए। आप जो वायदा करके आए थे, जो आपने कहा था हम 30 दिन में रोजगार दे देंगे, हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, 2.5 महीने में पिक्चर देख ली, एक ट्रेलर देख लिया कि 5 साल में आप क्या करने वाले हैं। जनता ने विश्वास खो दिया। कल ही परसों देख लीजिए, आप एक किसान कर्ज की वजह से उस पर लटका मिला है। जनता ने समझ लिया कि ये राजस्थान जो सरकार है, जो जिस तरह से झूठे वायदे करके आई है, ये 5 साल तक जनता का क्या होने वाला है, ये इसका परिणाम है जो सामने आज ये निकल कर गया। नहीं शील जी, एक बात और है, एक नारा हमने पहले भी बात कर दी, बड़ी जोर शोर से चला था विधानसभा चुनाव के समय कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, कहीं ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पर आपको? नहीं नहीं देखिए, आप जो जिस नारे की जो बात कर रही हैं जी, क्योंकि जिस तरह से 5 साल में काम किया हम लोगों ने, 5 साल किया, 3 जो हम बाई इलेक्शन हारे थे उसकी जो हमने जहां कमी थी हमने चिंतन मथन किया, उन कमियों को पूरा करने का प्रयास किया, और उसी का परिणाम है जिस तरह से संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी चुनाव लड़ा है। और मैंने जैसा पहले कहा कि ये चुनाव केंद्र के मुद्दों पर लड़े जाएंगे, राजस्थान के ये लोकल चुनाव नहीं है, तो उसी को आधार मानकर एक सवाल सीधा स्पष्ट जवाब चाहता हूं, हां या ना में, क्या विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के चेहरे पर लड़ा गया था चुनाव इसलिए हार गए, और लोकसभा चुनाव में मोदी के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव इसलिए 25 में 25 सीट जीते? देखिए हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व को श्रेय जाता है, अगर हारता है मोदी जी, मोदी नेता बन के वोट मांग रहे हैं तो सामूहिक नेतृत्व की बात नहीं है, और वसुंधरा जो हार रही है, नेता बनके मुख्यमंत्री बनके मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया था आपकी पार्टी ने, तब सामूहिक नेतृत्व की बात आ जाती है। नहीं देखिए सामूहिक में कौन दूसरा, अच्छा बताइए सामूहिक में दूसरा नेता कौन था बीजेपी का, दूसरा चेहरा कौन था ये बताइए? मुख्य प्रधानमंत्री है वो, तो नेचुरल उनके चेहरे पे हमने प्रोजेक्ट किया सामूहिक नेतृत्व की बात की, तो विधानसभा में वसुंधरा के साथ दूसरा कौन था जो सामूहिक नेतृत्व हो गया, दूसरा चेहरा बताइए? देखिए पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे जो वरिष्ठ नेता थे, हमारे साथ कैंडिडेट डिक्लेयर किया था जी, वसुंधरा राजे को चेहरा डिक्लेयर किया था मुख्यमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल किया था। तो क्या ये उस चेहरे की हार थी और ये इस चेहरे की जीत है? नहीं देखिए मैंने कहा ना, हार किसी एक व्यक्ति की नहीं है, जीत एक व्यक्ति की है। जीत एक व्यक्ति की है, नहीं आपके सिद्धांत जगह जगह बदलते हैं। नहीं देखिए नहीं कह रहे ना, बिल्कुल नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री चेहरा थे, और क्योंकि केंद्र का चुनाव है ये इसलिए ये सारा जी, और वहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे थी और राज्य का चुनाव था इसलिए हार गए। प्रदेश का चुनाव प्रदेश की मुखिया थी तो उन्हीं के चेहरे पे हुई, चुनाव हार गए। नहीं तो देखिए नरेंद्र सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी उस समय, नहीं देखिए डिफेंडिंग चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो है जिनके फेस पर हमने जो चुनाव, चलिए हालांकि चलिए ये आपसे बात करने का विषय नहीं है, फिर भी मैं, चूंकि आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं,
इसलिए बात करना चाहता हूं कि क्या बिना वसुंधरा के नेतृत्व के लड़ा गया यह लोकसभा चुनाव आने वाले समय में राजस्थान की बीजेपी की राजनीति में कोई समीकरण बदलने वाला है या नहीं है? नहीं देखिए ये किसने कहा कि वसुंधरा जी इसमें सक्रिय नहीं रही है? वो सारे जितने भी सक्रिय और नेतृत्व अलग अलग चीजें नहीं, उनके बिल्कुल उनका बराबर का भागीदारी रही है उनकी, चाहे प्रदेश 25 लोकसभा सीटों में गई थी, नहीं कुछ सीटों में नहीं गई वो, और हो सकता है कि मतलब समय नहीं मिला हो, जरूरी नहीं कि 25 पे जाए, बाकी और नेता गए थे, बाहर के भी आए थे, नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, और जिन जिन सीटों पर वो गई हैं आप देखिए कितने भारी बहुमत से सभी पे जीत रहे हैं, आगे चल रहे हैं वो, तो किसी पे हारी नहीं तो सभी पे जीत रहे हैं वो तो। जी बिल्कुल। मैं तो दूसरी बात, चलिए इस विषय को छोड़िए, एक सूचना दर्शकों को देना चाहता हूँ। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के शशि थरूर आगे चल रहे हैं इस वक्त, काफी समय से वो पीछे चल रहे थे, अब आगे चल रहे हैं जी। और अमेठी में अभी राहुल गांधी पीछे ही है जी। सुनीता जी, मैं आपसे, क्या अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है आपको राजस्थान में? हाँ देखिए, आशा पर आसमान टिका हुआ है, और चूंकि अभी अलग अलग राउंड चल रहे हैं, अलग अलग मतपेटियां खुल रही हैं, तो आशा है कि कुछ सीटें अवश्य जनता हमको देगी, और फिर भी जो भी निर्णय आता है जनादेश का हम पूर्णतः सम्मान करते हैं, और विपक्ष में रह के विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, पीड़ित शोषित जनता की समस्याओं के लिए पुरजोर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि पिछले 5 वर्ष भी आपने देखा होगा, पेट्रोल डीजल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के जो दाम थे उसके कंपेरिजन में जो पेट्रोल डीजल देश में जनता को दिया गया उसमें कितना अधिक अंतर था, सिलेंडर की कीमतें आप देख रहे हैं, इस तरह जो महंगाई है और जिस तरह के रोजगार और आय के साधन हैं उनमें जितना अधिक अंतर है, और लोग बाग अपने दैनिक जो जीवन यापन के लिए किस तरह परेशान हैं, मजदूरों कुछ कारण समझ आते हैं। अभी करीब 3-4 महीने पहले आपकी प्रधान बनी है, इतने कम समय में ही जनता का एकदम रुख बदल जाना? नहीं देखिए, विधानसभा चुनाव में अलग मुद्दे थे जो कि प्रदेश के थे, और लोकसभा के चुनाव में देश के मुद्दे थे, और जिस तरह का शीलधा भाई ने बताया कि लोकसभा के चुनाव में चेहरा मोदी जी थे, विधानसभा में वसुंधरा जी थी, और जनता को जिस तरह से प्रदेश में उनके शासनकाल में नहीं उचित लगा उनके निर्णय, उनकी कार्यशैली, और जिस तरह से खान घोटाला हुआ, A&M घोटाला हुआ, PhD का घोटाला हुआ, अलग अलग काफ़ी घोटाले हुए, वैसे तो देश में अभी भी हम देखें तो बैंकों का NPA जिस तरह बढ़ गया है, और जिस तरह बैंकों की कमर टूट गई है कि आप देखते होंगे आए दिन की जितनी भी ब्रांचेज हैं उनको समाहित करा जा रहा है, उनके स्टाफ को निकाला जा रहा है, आज जेट एयरवेज का स्टाफ है 22,000 अचानक बेरोजगार हो गए हैं, वीडियोकॉन दिवालिया हो गई है, तो जिस तरह के हालात देश में हैं, अर्थव्यवस्था की जिस तरह कमर टूट रही है, धंधे रोजगारों की कमर टूट रही है, सरकार और उस अर्थव्यवस्था की GDP को आप लेके केंद्र आपका सिद्धांत अभी अलग था कि हमारा नेतृत्व तो सामूहिक होता है, इसी तरह इन्होंने GDP को भी कैलकुलेट करने का अपना एक सिद्धांत का तरीका, उसको कैलकुलेट करने का तरीका बदल के उसको भ्रमित करा जा रहा है, जबकि हालांकि GDP काफी नीचे जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, देश के धंधे रोजगार चरमराए हुए हैं, लोग बेरोजगारी 45 साल के चरम पर है। ये तो आप कह रहे हैं ना, जनता ने तो जनता इस बात को नकार दिया है, परंतु सुना रही है जनता, सुना रही है आधार पर वोट देना चाहती है यह सोच से परे है, बिल्कुल एक मजबूत सरकार चाहती है, केंद्र में हम मनन करेंगे, प्रभावशाली नेता की चाहती है, एक डिसीजन मेकिंग सरकार चाहती है, एक व्यक्तिवादी सरकार है जिसमें और एक परिवारवादी सरकार नहीं चाहती, एक परिवार का नेतृत्व नहीं चाहती, सांसद खुद प्रश्न नहीं उठा सकते आपने क्या करा, अगर ऐसा था तो 5 साल आपने राजस्थान में क्यों विकास की गंगा नहीं बहाई, या तो ये कि प्रदेश की और नरेश की सरकार में कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं था, आपने चार महीने नहीं, आपको ये मानना होगा, और इसकी वजह से सुरक्षा क्या हो रहा है, इतनी बदतर स्थिति तो आज तक
इतिहास में नहीं होगी जिस तरह राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार उत्पीड़न के साथ हो रहे हैं। उनके अभी अभी आजीवन कारावास के उनको जुर्माना के अभी तो निर्णय आ रहे हैं, कोर्टों में चल रहे हैं। आप भूल गए जो 5 साल एक बार मैं आप लोगों को एक बार रोकना चाहूंगी, हम चर्चा का दौर जारी रखेंगे।